हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आपके पास में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन से इंजीनियरिंग में या फाइनल ईयर में भी स्टडी करें और भारतीय सेना में आप शामिल होना चाहते हो तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट निकल गई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से SSC TET की रिक्रूटमेंट है के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो जो भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं वो SSC TET यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू अपना सिलेक्शन वो करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है वो जारी हो गया है। जल्द ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने को मिल जाएगा। इसमें मेल और फीमेल पर दोनों ही कैंडिडेट जिनके पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सिलेक्शन के साथ साथ इसमें कैंडिडेट को कई तरह की फैसिलिटीज मिलती है। कैंडिडेट है वो कई पदों पर यहाँ पे सिलेक्शन है वो करवा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं कि SSC इंडियन आर्मी की ओर से जो SSC TET का नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके ऊपर और जानते हैं कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुँचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर ले जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर भी हम लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहूँ। तो दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। अधिकारी प्रविष्टियां निम्नलिखित कोर्सों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे जो 64वां शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें मेल कैंडिडेट और जो 35वां शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल उसमें फीमेल कैंडिडेट जो कि अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा उसके लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 34वां शॉर्ट सर्विस कमीशन जो JG एंट्री स्कीम है 2024 की वो भी अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा। वो लॉन्ग ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए 57वां शॉर्ट सर्विस कमीशन NCC स्पेशल एंट्री स्कीम्स है वो भी अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। मेन और जो वुमेन है उनके लिए रिक्रूटमेंट है निकाली गई। तो आप जिस भी कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो आप उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। खास तौर से अपन बात करते हैं SSC TET के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल है यानी जिन कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग वेरियस डिसिप्लिन में वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसमें कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट को स्पोर्ट्स में एंट्री दी जाती है। उसके बाद कैंडिडेट यदि सक्सेसफुल रहता है उसकी कोर्स तो उसके बाद एज एन ऑफिसर उसको अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोशन के चांसेस भी काफी ज्यादा है वो यहाँ पे मिलते हैं। तो इसमें SSC TET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है मेन और वुमन दोनों के लिए तो 16 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में भरा जाएगा। सेना में भर्ती पूर्णतः पारदर्शी और मुफ्त है, दलालों से सावधान है। विस्तृत नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन है चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन से आउट नहीं हुआ है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन है जल्दी आउट हो जाएगा। तो इसमें सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें आपकी इसमें मिनिमम वैसे अपन बात करें तो शायद इसमें जो मैक्सिमम एज है वो 27 वर्ष तक रखी जाती है। 20 से 27 वर्ष के कैंडिडेट इसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके साथ ही अपन देखेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके सारी जानकारी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसमें ही देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट है 64वां शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल और जो अपने बात करें 35वां शॉर्ट सर्विस कमीशन फीमेल और 34वां शॉर्ट सर्विस कमीशन JAG कोर्स या फिर जो NCC स्पेशल जो रिक्रूटमेंट है उसमें यदि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जो डेट दी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें JAG कोर्स की जो डेट है वो 15 जुलाई से 13 अगस्त है और NCC जो स्पेशल भर्ती कोर्स है वो 11 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में भरा जाएगा। अभी तीनों ही प्रकार की वैकेंसीज के जो नोटिफिकेशन है आउट नहीं हुआ है, लेकिन इसमें जो मेन जो वैकेंसीज के ऊपर बात करें तो वो इसमें यही है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल के तो इसमें कैंडिडेट को काफी सी सैलरी और काफी सी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। तो इंडियन आर्मी में जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है कि वो इस कोर्स के थ्रू अपनी एंट्री है वो इंडियन आर्मी में कर सकता है। दोस्तों, जैसे इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट होगा तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के आप लोगों को सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।